मैं बनाऊंगी दाल चा। इसके लिए ली हूँ मैं तुअर दाल एक स्पून, मसूर दाल एक स्पून, चने की दाल एक स्पून, थोड़ी सी मूंग दाल। मैं इन सब का दाल चा बनाऊंगी, बहुत अच्छा रहता है। मैं ली हूँ 2 टमाटर और ये 4 हरी मिर्च। मैं दाल के पानी अच्छे से धो लेती हूँ और इसको 2 सीटी दे देती हूँ, 2 या 3 सीटी देती हूँ। 3 सीटी तो एग्जैक्टली देना होगा। थोड़ी हल्दी डालेंगे। मेरी दाल गल चुकी है, मैं ली हूँ ऑयल, मैं ली हूँ 1 डली प्याज, मैं ली हूँ छोटे से 2 टमाटर, मैं ली हूँ 2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, करी पत्ता, ये थोड़ी सी कोथिमीर है और ये थोड़ा पुदीना है, ये बगैर के लिए ज़ीरा है, ये दालचीनी है, थोड़ा सा गरम मसाला है और ये है कद्दू, इमली, इमली का पल्प। ये रहा अदरक लहसुन। अब मैं डालूंगी इमली का पल्प। ये रहा हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर है। ये गरम मसाला, मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करती हूँ। मैं डाली हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा। अब मैं डाल रही हूँ कद्दू, मैं डाल रही हूँ थोड़ा पानी। मैं डाली नमक, पानी। ये दाल तो सीटी में गल चुकी है। क्यों दाल, मैं दाल अच्छे से इसको पका लूँगी और थोड़ी देर के बाद कट करेंगे। ये देखिए मेरा दालचा पक चुका है।